तो कक्षा नौवीं के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग अपना कक्षा नौवीं के अंग्रेजी के पेपर का मिलान कर लीजिएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता है कि एकमात्र हमारे चैनल पर ही आप सभी को रियल वाले क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं। आप लोगों को मैंने कक्षा नौवीं का अंग्रेजी का पेपर भी पूरा का पूरा बताया था, मगर देखिएगा मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके जो पेपर है ना, ये अलग अलग सेट में बनकर आ रहे हैं। अब सेट में बनकर आने की वजह से क्या होता है कि आप कोई सा दूसरा सेट देख कर चले जाते हो और आपके पास में आ कोई सा दूसरा सेट जाता है। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके ऊपर तो हमारा कोई बस नहीं चलता है। सेट ए जैसा कि मैंने बताया था, इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका फंसा है। और मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग ये सोचते हो, अब हमें ये तो पता नहीं कि आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हो, मगर मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि हमारे द्वारा एक विषय के 3 वीडियो या 4 वीडियो अपलोड किए जाते हैं। अगर आपने चारों सेट अच्छे से देख लिए तो एक ना एक सेट बिल्कुल आपके जिले में भी वही आएगा। तो इसलिए आप सभी लोग प्रत्येक वीडियो को देखा करें, एक भी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि हम जो क्वेश्चन बताते हैं ना प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को भी पता है कि पूरा का पूरा पेपर आपका वही फंसता है। आप सभी लोग यहाँ से इसको मिलान करके देख सकते हो, पूरा का पूरा जैसा मैंने आपको कक्षा नवी का पेपर बताया था ना, इसी प्रकार का पूरा पेपर आपका आया है। तो आप सभी लोग अब अपने पेपर का मिलान कर लीजिएगा कि आपके पेपर में से कितने नंबर आने वाले हैं। देखिएगा टोटली इस प्रकार का पेपर था, मैंने आपको ये वाला पैसेज बताया था, देख सकते हो, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, पूरा का पूरा ये पैसेज मैंने आपको बताया था, मगर ये पैसेज नंबर 2 में आपको बताया था, ये यहाँ पर आपका 1 में आ गया। अब देखिएगा थोड़ा बहुत इधर उधर तो होता है, मगर पेसेज पूरा का पूरा वही है जो कि मैंने आपको ये बताया था। अब इसके उत्तरों को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्री रिवोल्यूशन, तो देखिएगा इसका उत्तर 1789 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, कॉकपिट। आप सभी लोग अपने आंसर का मिलान कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट करके कि आपके कक्षा नौवीं के पेपर में से कितने नंबर पक्के हुए हैं, यानी कि कितने नंबर के सही हुए और कितने नंबर आपके इनमें से आ जाएंगे पैसेज में से, इसका उत्तर यह आ जाएगा। और एरोप्लेन में किससे वर्क करता है एरोप्लेन, पेट्रोल से, क्योंकि पेट्रोल ही एरोप्लेन को चलाता है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीनिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट, तो इसका मीनिंग आ जाएगा एरोप्लेन। और उसके बाद में 5 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आएगा रोल ऑन द रोड रन अवे, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में ये पेसेज नंबर 2 आया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, ये पेसेज नंबर 2 है आपका। अब इसके आंसर देखते हैं, तो देखिएगा आपको फर्स्ट वाले में इज एन इम्पोर्टेंट डे इन चिपको मूवमेंट, तो देखिएगा चिपको मूवमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण तारीख क्या है, तो ये 26 मार्च 1974, तो देखिएगा ये आपको लिख लेना था। अगला था द इंडिकेट हैपन इन द उत्तराखंड, ये जो घटना कहाँ पर हुई, उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी, तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना था, चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर आपको चमोली अगर आप लोग भर के आए होंगे ना यहाँ पर, तो आपका ऐसा ही होगा, सा द वुडर कटर एंड इंफॉर्म द विलेजर, किसने देखा था, लकड़ी काटने वालों को, ए विलेज गर्ल, तो विलेज गर्ल अगर आप लोग तीसरे में लिखकर आए होंगे ना, तो ये भी आपका सही होगा। अब इसके बाद में 5, 4 देखते हैं, द वुमन द ट्री प्रोटेक्ट, तो क्या नाम था उस महिला का, गौरा देवी द ट्री द प्रोटेक्ट, गौरा देवी ने पेड़ों को बचाया था, गौरा देवी अगर आप लोग 4 नंबर में लिखकर आए होंगे ना, तो ये भी आपका सही होगा। 5 नंबर में भी आपको गौरा देवी लिखना था, द लीडर ऑफ द विलेज वुमन, देखिएगा गांव की महिलाओं की लीडर कौन थी, गौरा देवी थे, तो यहां से अगर आप लोगों ने इस प्रकार से इसको भर लिया होगा ना, तो पूरा का पूरा आपका ये सही होगा। अब इसके बाद में आगे के क्वेश्चन को समझते हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, जिसमें कि आपको एक पैसेज दिया गया है, मेरी क्यूरी वाला पूरा का पूरा पैसेज है ये। अब चलिएगा इसके आंसर को देख लेते हैं, वैसे आपके 2 पैसेज आने थे, मगर आपके अंग्रेजी के पेपर में पेपर बनाने वाला कुछ ज़्यादा ही कुछ नज़र आ रहा था, तो शायद उसने 3 पैसेज दे दिए आपको, और अच्छी बात हो गई। तो देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इसका वेयर डिड मे अर्न मास्टर डिग्री, इसने मास्टर डिग्री कहाँ से हासिल की थी मेरी क्यूरी ने, तो ये उत्तर आएगा यूनिवर्सिटी इन सर्बन। अगला, व्हाट वाज द मेरी फादर, मेरी के पिता क्या थे, ए प्रोफेसर। उसके बाद में मेरी लेफ्ट पोलैंड, कब छोड़ी थी उसने पोलैंड और क्यों छोड़ा था, सो इंटेलिजेंस, अपनी योग्यता को दिखाने के लिए उसने पोलैंड को छोड़ दिया था। मेरी क्यूरी डॉक्टरेट वाज इन द एकेडमिक डिसिप्लिन, तो इसका उत्तर कैंसर स्टडी आ जाएगा। और इसमें यह पूछा है, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्कवर, डिस्कवर का नाउन फॉर्म क्या होगा, तो डिस्कवरी हो जाएगा। अब देखिएगा एक ये पैसेज है आपका, देख सकते हो यहाँ पर पैसेज की झड़ी लगा दी एक तरह से, देख सकते हो यहाँ पर एक पैसेज मैं आपको बताऊँ कहाँ पर आया है, देख सकते हो ये एक तो पैसेज ये आया आपका, और एक दूसरा पैसेज ये आया, एक तीसरा पैसेज ये आया, मजे हो गए यार आपके, तो 3-3, 4-4 पैसेज मिल गए पूरे के पूरे। अगर आपने पैसेज अच्छे से छांट के कर दिए होंगे ना, तो पूरे मजे हो गए होंगे। और देखिएगा एक और पैसेज ये रख दिया आपका ललिता वाला,
तो ललिता वाले के पेसेज के सॉल्यूशन को देख लेते हैं, क्या है इसके आंसर। तो देखिएगा, ये ललिता वाला पेसेज भी मैंने आपको बताया था, आप सभी लोग वीडियो को देख सकते हो, चाहे तो मैंने वीडियो अभी नहीं हटाया है पूरा का पूरा, मगर ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर एक में बताया था, क्वेश्चन नंबर दो में टपक पड़ा। अब इससे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, पेपर में जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ पूरे के पूरे वही बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर में आ रहे हैं। मगर थोड़ा सा फर्क इतना पड़ेगा कि मैंने आपको कोई क्वेश्चन नंबर एक में बताया होगा, क्वेश्चन नंबर दो में आ गया। देख सकते हो ललिता वाला पेसेज पूरा का पूरा मैंने आपको बताया था, इसको पूरा हल करके भी बताया था। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर एक में मेरे द्वारा बताया गया था, अब ये दो में दे दिया यार, इसका मैं क्या कर सकता हूँ। आप सभी लोग अपने हिंदी विषय की तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि हिंदी की फुल तैयारी मेरे द्वारा करवा दी गई है, उसका वीडियो भी पूरा अपलोड कर दिया गया है और यहाँ पर उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, आप लोग उस वीडियो को देख लें। तो देखिएगा, यहाँ पर इसका पहले का उत्तर बी आ जाता, दूसरे का उत्तर भी बी होता, तीसरे का उत्तर भी बी होता और चौथे का उत्तर सी होता और पांचवे का उत्तर क्या होता, वेयर द सिस्टर है बी। देखिएगा, ये तो उत्तर मैंने बताया नहीं यार, तो मैं चलो मैं बताता हूँ, पेन किधर गया मेरा। चलिए अब इसको बताता हूँ मैं, इसका उत्तर क्या होगा, वो सिस्टर्स हैप्पी क्यों थी, बिकॉज फ्लावर ग्रो इन देयर गार्डन, बिकॉज ए टोमेटो ग्रो इन देयर गार्डन। तो देखिएगा, ये जो बी नंबर का था ना अपना, ये सही होता, ये वाला इसका राइट आंसर है। तो देखिएगा, मैंने आपको पूरे के पूरे आपके ये आंसर बता दिए। अब इसके बाद में सेक्शन बी में आपको नोट मेकिंग समरी दी गई थी, सेक्शन बी में नोट मेकिंग समरी आपने अच्छे से बना ली होगी, क्योंकि नोट मेकिंग समरी बनाना मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर तीन के बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा क्या दिया यार आपके पेपर में, और किधर चीज़ें गई है, उल्टा सीधा छपा हुआ है ये पेपर, थोड़ा सा इधर उधर, इस वजह से इसको समझने में दिक्कत आ रही थोड़ी सी। तो एक क्वेश्चन नंबर तीन ये है, उसके बाद में चार ये रहा, उसके बाद में पाँच ये रहा, अब पाँच के बाद में इधर ये रहा बाकी का पेपर आपका, अब क्वेश्चन नंबर सात ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर सात को देखें, तो देखिएगा सात में ये उत्तर होंगे, आप सभी लोग अगर इस प्रकार से भरकर आए होंगे ना, तो पूरे आपके सही राइट आंसर है ये। और इसके बाद में नौ के आंसर यहाँ से नोट कर लें आप लोग, और उसके बाद में देखिएगा नौ के आंसर मैंने यहाँ से बता दिया आपको। अब इसके बाद में ये दसवा को पेसेज दिया गया है, अब दसवें के आंसर क्या थे, तो देखिएगा यहाँ पर आपको इसको भी भरना था, आप सभी लोग इसको देख लें। पहला लिखा है, व्हाट डिड एज़वाल सस्पेक्टेड एल्विन हियरिंग एबिलिटी, सी डिड नॉट हियर हर नेम, सी मिस्ड द म्यूजिक लेसन, सी लॉस्ट इंटरेस्ट द स्टडी। तो देखिएगा, इसमें से आपको ये एल्विन वाला पूरा का पूरा पेसेज हल करना था, और इसके बाद में ये क्वेश्चन थे पूरा का पूरा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपका पूरा पेपर मिलवा दिया है, तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप किस पेपर में से कितने नंबर आ जाएंगे, और आप सभी लोग अपने अगले पेपर की तैयारी में जरूर लग जाएं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।